क्लास 10 आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लाइनरिगेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो जैसे दो चर, कोई भी दो चर जैसे एक्स वाई या यू वी, जैसे मान लो कोई एक्स वाई हो या यू वी हो या एस टी या ए बी, ए बी कोई भी, क्या कोई भी दो चर, ठीक है, वो भी साथ में, चाहे एक्स वाई चाहे यू वी चाहे एस टी चाहे ए बी, कोई भी दो चर, चल ए से लेके ए बी सी संख्या क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। ठीक है, तो दो चर रैखिक संख्या, रैखिक माना होता है लाइन, लाइन यानी रेखा, ठीक है, और समीकरण माने बराबर, इक्वल, समीकरण बराबर या हिंदी में बराबर, इंग्लिश में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं इक्वल, हिंदी में बराबर। ठीक है, तो दो संख्या रेखा को, ठीक है, तो क्या करना, हम आते हैं सीधे अपने पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है क्या है, आज का एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, आज का ये देखो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, मुख देव क्या रखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी वायु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुणी वायु का रह जाऊंगा, इसे बीजगणितीय ग्राफिक रूप से बनाए, व्यक्त कीजिए, यदि बना। ठीक है, देखो क्या करते, तो पहले बताते हैं, पहले बताते, ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखा गया, पहले मानते हैं। ठीक है, माना कि आफ्ताब की उम्र, माना कि आफ्ताब की वर्तमान, मान लो वर्तमान उम्र क्या है, एक्स वन, तो पुत्री की क्या होगा, पुत्री की वर्तमान उम्र क्या होगा, वाई, क्योंकि हम क्या दो चर मानना, चाहे एक्स वाई मान लें चाहे एस टी मान लें चाहे ए बी मान लें। ठीक है, क्या कह रहे, 7 वर्ष में तुमसे केवल 7 गुणी वायु का था, पूर्व मन होता है पहले, जिसे मान लो मैं आज कह दू 10 साल का हूं, 7 साल पहले कितने साल का था, 3 साल, क्यों कि 10 में पूर्व मन होता है घटाना, तो क्या कह रहे 3 साल, पूर्व जहां पूर्व कहवा घटाएंगे और बाद गए तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा, पूर्व कह रहा था 7 वर्ष, फिर मान लो होगा आफ्ताब होगा उसका पुत्र होगा, क्या 7 वर्ष पूर्व कर, पूर्व में क्या दोनों में 7 घटा दें, ठीक है, पिता का अफ्ताब में घटा ली और ये भी घटा ली, तो इक्वेशन करना मैंने क्या दोनों को बराबर करना, तो क्या करना, अफ्ताब के नाम पर पुत्री, अफ्ताब के नाम अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुणी वायु का था, 7 गुणी, गुणी मैंने क्या गुना, ठीक है, मैंने क्या था, तुम 1 गुना था मैं 2 गुना, इसका क्या मैं तुमसे ज्यादा हूँ, इसका तुम 1 गुना था मैं 3 गुना, इसका मतलब क्या मैं तुमसे 3 ज्यादा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, देखो हमेशा 7 इसमें गुणा, 7 क्योंकि हम इक्वेशन क्या करना बराबर करना, तो पिता क्या था हमेशा पुत्र से बड़ा होता है, इसीलिए पुत्र होगा। ठीक है, बनाते समय देखो ये दोनों जगह देखोगे x-7 बराबर क्या होगा, इस पहले 7 को y में करोगे 7y क्या हो जाएगा 7y, फिर माइनस क्या होगा 7 तो सात में सात से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सात से क्या होगा 4, देखो 50 हुआ, ये माइनस है तो माइनस हो गया। ठीक है, देखो चर वाली संख्या को एक तरफ और चर वाली संख्या को एक तरफ पर, ठीक है, तो चर संख्या तो एक्स वाई अचर संख्या, चर संख्या तो चर में क्या करें, इसको देखिए प्लस में इधर इधर चिन्ह में क्या होगा माइनस 7 वाई हुआ, देखो से 50 माइनस, देखो ये क्या है माइनस हो जाएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, एक्स माइनस 7y 49 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 42 बचेगा, बाकी देखो चीन हमेशा माउस क्योंकि हमेशा बड़ा वाला चीन लेते हैं, बड़ा वाला क्या है 49, 49 का चीन क्या है माइनस में, माइनस में। ठीक है, इसका क्या होगा समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ निकालते हैं पूरा परसेंट, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं पूरा प्रश्न से, ठीक है, इसको ऐसे खेल देते ताकि समझ में आए, पुनः माना होता है, पुनः माना होता है दोबारा, ठीक है, पूरा प्रश्न मैंने इसका क्या आगे बढ़ो, अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुणी वायु का राज, अब से
तीन वर्ष बाद में तुमसे केवल तीन गुनीवाई करना चाहूंगा ही ना। तो तीन वर्ष बाद के बाद में क्या जोड़ेंगे कोने के राम के हम तो आके बात दे बाद में क्या मैंने आने मन में क्या कहने जोड़ेंगे जैसे मैं कह दूंगा तुम्हें 10 साल का 3 साल बाद कितना हो जाएगा 13 साल क्योंकि 3 बार मैं जोड़ूंगा ठीक है। तो क्या करेंगे ये मेरा ताप का वही उसका पुतली का तो तीन वर्ष बाद क्या तो बाद क्या तीनों हम जोड़ लेंगे क्या करेंगे 4 संख्या 3 3 जोड़ लेंगे ठीक है हम जोड़ लिए। तो क्या करेंगे ताप के अपने पुतली से अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनीवाई का घर जाऊंगा ठीक है 3 गुनी तो 3 किसमें मैं निकालूंगा इसमें ठीक है क्यों ये हमेशा पुत्र में होगा पिता में नहीं क्योंकि पिता हमेशा पुत्र से बड़ा होता है हम बार बड़े रिपीट करें ठीक है तो ध्यान देना ठीक है। तो क्या जो कहते हैं एक्स प्लस 3 क्या ये 3 में से 3y प्लस 3 9 हुआ। देखो हम अचर में संख्या एक तरफ करेंगे अचर वाली संख्या को एक तरफ चर वाली संख्या को एक तरफ और अचर वाली संख्या को एक तरफ करेंगे ठीक है। तो पहले क्या लेते हैं अचर संख्या को एक इन्हें देखो प्लस माइनस प्लस में दे जाएगा क्या होगा माइनस जो 3y देखो 9 दे जाएगा तो माइनस 6 हुआ क्या होगा एक्स माइनस 3y बराबर क्या 9 से है कितना नाइन में से सिक्स या कितना होगा थ्री ना नहीं थ्री बचे या थ्री है तो क्या दे नाइन में से सिक्स कितना 6 बचे ठीक है क्यों देखो ये 9 हुआ ये एक्स हुआ ये रहा तो माइनस प्लस में देता है माइनस में देखो ये 9 है ये क्या 3 है प्लस में देता है माइनस ठीक है 6 इसका वो समीकरण 2 मान लें ठीक है। तो क्या करें ग्राफिक उसमें इसको हल नहीं करना हम ग्राफिक उसमें देखो सर्कल वन से तो यहाँ बनाते सर का होता क्या तो एक्स वाई का मान निकालना ठीक है। देखो ये मानना पड़ेगा ठीक है तो हम देखो हर 3 मान निकालेंगे 2 नहीं देखो 2 में गलती हो जाए तो बाकी 3 में गलती कभी नहीं हो सकता ठीक है। देखो हम यहाँ पे कितने मान निकालेंगे एक्स वाई का 3 तो हम बॉक्स बना लेते हैं ठीक है मतलब बॉक्स बना लिया 3 बॉक्स बन गया 1 2 3 3 देखो हम 3 मान किताब में हमेशा 2 मान दिया जाता है कि नहीं हम 3 मान क्यों 3 मान हमेशा कभी गलती नहीं होगी 2 गलती हो सकता है 3 नहीं गलती हो ठीक है इसे 3 मान निकालो। देखो कल कुछ नहीं देखो कल सोचना है देखो सोचने का तरीका देखो कि हम मानो हमें x पे क्या लगता है 0 पर ये क्या हमारा समीकरण 1 यही ना है समीकरण 1 यही है ठीक है। तो देखो सभी का वर्ड भी इस वाला में सभी का वर्ड 20 पे रखते ठीक है। तो क्या हम x पे मान क्या रखे x पे क्या रखे हम 0 रखते क्या रखते 0 देखो x पे क्या रखे हम 0 रखते 0 का मतलब क्या ये x खत्म हो गया इसका मतलब क्या यहां पे x खत्म हो गया तो क्या बचा तो 7 7 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42 बचा ना। देखो ये माइनस क्या हुआ मान एक बार कट गया क्या हुआ कट तो हमें क्या 0 मतलब क्या 0 0 मतलब 0 ठीक है ये 0 कर देखो माइनस माइनस कर दिया तो 7 के 5 माइनस कितने हो गए 6 में 6 7 5 कितना है 6 हो गया ठीक हमारा घट गया ठीक है। हम जैसे था ऐसे फिर दोबारा कर लेते हैं ठीक है कर लिए तो फिर देखो और इसको क्या करेंगे फिर मानते दूसरा तो आप 0 नहीं मानेंगे ठीक है अब क्या मानेंगे 1 मान तो 1 मानो तो चाहे देखो हम ऐसे ही मान सकते हैं क्या हम मान लो वाई को 0 नहीं मान सकते मान सकते क्योंकि हम एक्स में मान रहे हैं तो वाई पे 0 मान गए तो क्या होगा चलो आप 0 नहीं मानते ठीक है तो इसको क्या करते हैं इसमें 7 घटा दे एक्स में क्या मानते हैं 7 एक्स क्या करते हैं 7 एक्स में क्या मानते हैं 7 ठीक है तो 7 इसमें जाए क्या होगा 42 घट जाए इसमें किसमें इसमें देखो हम कैसे देखो ठीक है हम एक्स में क्या मान रहे हैं 7 मान देखो ये 7 माइनस 7y बराबर क्या माइनस 42 देखो तो माइनस 7y बराबर 42 और देखो इधर प्लस में है ना तो जाएगा तो माइनस में कितना देखो 7y बराबर 42 और 7 कितना 49 माइनस 7 हो जाएगा देखो माइनस और माइनस कट गया और 7 के पावर 49 कितने हुए 7 बार सोचो तो 7 के पावर 49 कितने बार आएगा 7 बार तो क्या है सोचो तो 49 हो गया ठीक देखो 7 7 49 तो y बराबर क्या हुआ 7 हुआ है ना 7 आ गया ठीक है। तो उसके बाद देखो हमारे y पे कुछ और मान दे क्या मानते हैं
7 malıyım. Kemal'in malı 14 malıyım. Kemal'in malı 14. Dikho mesela kiyo malıyım? Çünkü bana 7 ke bana bir koyu ya. Değil mi? Ya malı minus 7 malıyım. Kemal'in de minus 7. Kekal değil mi? Değil mi? Kemal'in de minus 7 malıyım. Çahe tüm sanki plus mi malıyım? Çahe minus mi? Peki esna sanki malıyım da ki 7 ke table mi kya? O sanki mevcut hu. Değil mi? Yine ki sab malıyım ki 7 ke table la hu. Kya hu? Galti değil. Bana taklif hu. İsi de sab malıyım ki 7 ke table mi mevcut hu. Sanki mevcut. İsa bu 49 ayı. Kya hu? 7 ke table tha? 49 ayı. 49 ayı. 7 ke table balance 6 ayı balance. Değil mi? Tam balance 7 malıyım. देखो यहां पे x से क्या मान सकते हैं यहां पे x था x से क्या मान -7 मान ठीक है ये देखो वही प्रक्रिया करेंगे 42 ये देखो माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 7y मतलब क्या हुआ 42 में 7 कितना बचेगा 7 5 12 यानी 35 -5 देखो ये माइनस ये वेस्ट कर क्रिया और 7 के पावर 35 कितने बन 5 बन 7 5 35 कितने बन 5 बन मैं बोलूं कितना पांच है एक हो गया देखो संख्या 1 का मान हो गया ठीक है आप लिखते हैं संख्या 2 का मान ठीक है आप समीकरण 2 का तो अब इसमें भी 3 निकाल देखो अब 2 नहीं निकालेंगे 2 निकालना बहुत आसान होता है सिंपली होता है लेकिन सिंपल होता है लेकिन 2 निकल 2 से गलती में हो गई 3 से कोई डाउट नहीं हो कोई टीचर तुमको गलती नहीं कर सकता ठीक है तो हम 3 हमेशा परीक्षा में एग्जाम में हमेशा कितना निकालेंगे 3 निकालेंगे 2 नहीं निकालेंगे ठीक है हर बुक में 2 दिया रहता है भाई 2 हमको नहीं निकाल कितना मान निकालना 3 3 निकालना ठीक है s का भी 3 और y का भी 3 निकालना ठीक है देखो निकालते हैं क्या तो एक साइज में 3 बॉक्स बनाते हैं बन गया हो गया 3 बॉक्स हमारा 3 बॉक्स निकालने से कोई गलती नहीं होगा और तुम 2 निकालोगे तो गलती हो सकता है क्यों कि मान लो एक लड़का यहां खड़ा है मान लो ये कि यहां पे खड़ा मान लो ये घसा के मान लो यहां पे आ गया तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा पहले इस दिशा में जाना था अब किस डायरेक्शन जाएगा इस दिशा में जाएगा मान लो यही घसा के यहां पे आ गया क्या डायरेक्शन चेंज हो जाता है लेकिन तीन को जब थ्री मान निकालेंगे तो मान लो कि यहां पे था कोई हाफ मान लो क्या गलती हो जाए क्यों कि इसको यहां पे खा लिया ना इसको यहां पे खा मान लो यही यहां पे खड़ा हो गया क्या यहां पे खड़ा हो रहा है नहीं क्योंकि इसको यहां पे डायरेक्शन हमको सीधा चाहिए डायरेक्शन क्या चाहिए देखो सीधा चाहिए हमको टेढ़ा तो इसका क्या पर गलती है ठीक है इसीलिए 3 निकाल लेते ठीक है या 3 निकाल देते हो फिर जैसे ये निकालेंगे कुछ सब दूसरे निकालेंगे ठीक है चलो x पे क्या रखते हैं 0 होते हैं x पे क्या रखते हैं 0 x पे क्या रखते हैं 0 0 मतलब कुछ नहीं x खत्म हो गया तो 3 के टेबल में 6 कितने बार 2 बार 3 का 3 3 2 6 तो माइनस के प्लस माइनस होगा क्यों कि क्या माइनस के लिए माइनस कटा नहीं है कहां पे जाएगा इसके पास ये नहीं है नहीं समझ आता हम यहां करके दिखाते हैं देखो अब हम मानते हैं इसमें क्या मान लो देखो ऐसा मान लिया जाता है कि टी के टेबल में हो चलो हम देखो ये कौन सा है वाई में हम क्या मानते हैं जीरो मानते हैं y क्या मानते हैं जैसे मान लो हम क्वेश्चन में 3 3 y इक्वल टू 6 दिया ना हम क्या y पे हम क्या मानते हैं जीरो y पे क्या मानते हैं जीरो x minus 3 into 0 power 6 देखो 0 मतलब क्या 0 देखो तो कभी भी किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है तो x minus 0 बराबर 6 0 मतलब क्या कुछ नहीं x मतलब कितना है 6 देखो क्या 100 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा 10 में मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा कोई भी संख्या कितना भी अनंत करो वो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आता है ठीक है x मान कितना है 6 है ठीक है क्योंकि सिंपल था छोटा सा अब देखो उसके बाद है ठीक है उसके बाद है हम एक और मान कोई भी संख्या हो जैसे मान लो जैसे मान लो यहां पे 3 मान लो x पे क्या मतलब 3 मान लो x पे क्या मानते हैं 3 मान लो 3 का 3 y बराबर 6 से क्या मान लो ये 3 क्या किए बाने है ठीक है तो 3 मान लो हो गया देखो 3 इज हो जाएगा माइनस 3 y देखो 6 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है तो 3y और देखो 6 में से 3 जाएगा देखो 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3 तो 3 देखो देखो y का क्या होगा तो 3 ये देखो ये माइनस 3 जाएगा दोनों माइनस 3 किया जो या दूरी रही देखो y का क्या है माइनस 3 ने गलती तो माइनस y का माइनस 1 ठीक है क्या है हम x पे क्या मान लेते हैं
तीन माइनस है ठीक है, और ये क्या है हमारा माइनस वन ठीक है। तब हम ग्राफ बनाते हैं ठीक है,